हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाएंगे उसमें इस तरह के खाली डब्बे का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस डब्बे को इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक कटोरी में 5 चम्मच बॉल पुटी, 2 चम्मच फेविकॉल और 2 चम्मच पानी मिक्स करके गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ध्यान दें कि आपका घोल गाढ़ा हो, पतला ना हो। घोल तैयार करने के बाद हमने जो कार्डबोर्ड कट किया है उस पे इसे फैला लेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम इस पे आगे की डिटेलिंग करेंगे। ये हमारा पूरी तरह से सूख गया है तो अब हम पेंसिल की हेल्प से इस पे इमेज बना लेंगे और बॉल पुटी के डो से इस पे डिटेलिंग करेंगे। मैंने बॉल पुटी का डो पहले तैयार कर लिया था। बॉल पुटी का डो बनाना बहुत ही आसान है। मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इस क्राफ्ट में जो टूल्स और कलर यूज किए हैं मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने यहाँ पे बॉल पुटी को चिपकाने के लिए पानी का यूज किया है। आप पानी की जगह बॉल पुटी का गाढ़ा घोल या फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी।
फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।